कार की कवर है, इसमें 7 कवर हैं। क्या इतिहास लिख दिया भाई, एक चीज बहुत खास है, वो गोल्ड का काम करा हुआ है इसमें, तो यहाँ सब सोना लगा हुआ था पूरे रूम के अंदर। और ये देखिए इस तरीके का था पूरा गोल्ड, यार पूरा गोल्ड भाई। अच्छा ये मेल है जैसे कि इन्होंने बताया, देखिए ऊपर ये मेल होने का वो है एक साइन, ये एक मेल की जो मेल है जेंट्स की कब्र है, और बच्चा ये अकबर की जो वाइफ थी उनकी कब्र है, ये ओरिजिनल कब्र है उनकी। और जो सेकंड वाइफ है जोधा बाई, वो हिंदू थी इसलिए उनका संस्कार किया गया था, अकबर के 18 साल बाद उनकी डेथ हुई थी। बना हुआ है ये ब्रिटिश ने बनाया था, लॉर्ड कर्जन और गार्डन के अंदर जो कुआ है ये वो वाला बनाया हुआ अकबर का, वो वाला अंदर, तो गाइस वो भी दिखाएंगे। ये जो है गार्डन में बने, हर हिस्से में एक कुआ बना है हर गार्डन में। नालियों का सिस्टम है, ये उसी जमाने का सिस्टम बनाया गया पानी की निकासी का, वाटर हार्वेस्टिंग। जो है ओवरफ्लो होने पर या बारिश का पानी जमा होने पर सीधा गार्डन में जाता है, यहाँ वेस्टेड नहीं होता पानी को। तो मुगलों का ये चीज देखिए, मैंने काफी मॉन्यूमेंट में घूम चुका हूँ, तो उन्होंने जो वाटर हार्वेस्टिंग जो कंजर्व करते थे ना पानी को, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी उस पर वो खास ध्यान देते थे, और काफी झरने पानी का और हरियाली का काफी यूज करा उन्होंने अपने मॉन्यूमेंट्स में। ये बहुत अच्छी चीज थी गाइस, हिस्ट्री दी गई है। ये जैसे हम आगे से देखते हैं ऐसा ही चारों तरफ से दिखता है। अच्छा बिल्कुल सेम डिजाइन है। अच्छा सिमेट्री से, राइट से, लेफ्ट से, पीछे से, सब तरफ से सेम दिखता है। अच्छा ये जो डिजाइन है ताजमहल दिखता है। हाँ ताजमहल, वही मैं बताने वाला था कि ताजमहल की भी चारों तरफ से सिमेट्री है, वो भी चारों तरफ से आप देखोगे तो सेम डिजाइन उसका दिखेगा, जैसे इसका आप सामने अकबर का मकबरा है। कब्र होगी अकबर की, इसमें अकबर की कब्र है, इसमें 7 कब्र हैं अकबर की है। अकबर की 2 डॉटर है आराम बानो सखरुल निशान, एक अकबर की मुस्लिम वाइफ रुकैया बेगम की कब्र है, और 3 छोटे बच्चे हैं, एक जहांगीर का, 2 शाहजहां के। इस तरह से इसमें 7 कब्र हैं 4 रूम के अंदर। अकबर ने टोटल रूम 44 बनाए थे चारों साइड में, 11-11 रूम अपने फैमिली कब्र के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। उनकी प्लानिंग लंबी थी लेकिन बाद में किसी ने फॉलो नहीं किया उन्हें, और जिसकी जहां मर्जी चाहिए उसने अपना मॉन्यूमेंट वहां बनाया, इसलिए ये अकबर के सारे रूम इसमें खाली रहे। अच्छा उन्होंने कब्रों के हिसाब से ही ये बनाया था, ये जो है टैंक बनाया गया था पानी का, उस जमाने में पानी की कमी के कारण बनाया गया था, वो इसको पानी भरकर इसमें स्टोर कर रखते थे इमरजेंसी काम के लिए। तो गाइज ये आप सामने वाला गेट देख रहे हो और ये देख रहे हो और वो देख रहे हो, ये जो बिल्कुल बीच में ये जो पानी का ना, पानी का स्विमिंग पूल टाइप का बनाया हुआ है, ये पानी रेन वाटर हार्वेस्ट का ये मतलब मेन यहाँ पर कलेक्ट होता था। और इधर उधर आप देख रहे हो काफ़ी झरने भी थे यहाँ पर, 2-4 झरने भी हैं और उनमें ये जाता है इसके थ्रू। जो जिस तरह उस गेट में कई धर्मों के डिजाइन बनाए थे, यहाँ गेट के टॉप पर 3 धर्मों के आर्किटेक्चर बनाए। अच्छा 3 धर्मों के। हाँ जो वाइट मार्बल की छतरी है गेट के बिल्कुल ऊपर, हिंदू आर्किटेक्चर है, राजपूत कल्चर का मंदिर है। उसी के नीचे रेड स्टोन से देखेंगे क्रॉसेस बने हैं पूरी लाइन, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर है, और दोनों साइड में मीनार है मुस्लिम आर्किटेक्चर। ये चारों अच्छा, तरफ एक ही डिजाइन है। अच्छा इसमें बीच वाला ही मंदिर है। मंदिर का डिजाइन है वो बीच वाला जो छतरी के ऊपर, ये छतरी है। और ये दोनों मीनार है, ये मुस्लिम है और वो क्रिश्चियन है। ऊपर जो डोम है वो, अबे साले नहीं क्रिश्चियन, ये क्रोसिस बने हैं, पूरी लाइन बनी है क्रोसिस। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें वो जो आप देख रहे हो मीनार के नीचे की तरफ जो देख रहे हो रेड स्टोन से, हाँ क्रॉस बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो गाइस देखिए मेन गेट के सामने आप देख रहे हो यहाँ पर, ये मेन गेट है यहाँ का, और इधर अंदर ही मकबरा है अकबर का, ये फाउंटेन है, अभी तो बंद है, ये ताजमहल वाला भी बंद है। ताजमहल वाला भी बंद है, वो तो देखो चल जाएगा क्योंकि उसमें तो सिस्टम लगा दिया आज के जमाने का। हाँ, इसमें तो कुछ लगा ही नहीं है, उसी जमाने का ही है,
तो इसलिए ये क्लोज ही रहता। आप पहले फर्स्ट रूम से उधर से दिखाएंगे मुझे, ये सारे रूम बनाए जो अभी आपने बताया। अच्छा अच्छा, ये सब तो अंदर चलते हैं इनके। है किसकी मतलब बेटी बेटी की, ये किसका है तुम? अकबर बादशाह उनकी बेटी का है। ये अकबर की बड़ी बेटी है आराम बादशाह, ये जहांगीर का 8 साल का बच्चा। अच्छा, ये जहांगीर का 8 साल का बच्चा, ये जहांगीर मतलब जो सलीम था अकबर के बेटे थे उनका बच्चा था 8 साल का। 8 साल में एक्सपायर हो गया था वो जब बीमार होने की वजह से। क्या नाम था उनका? नाम अच्छा। और ये उनकी वाइफ है? जहांगीर की बहन है। अच्छा अच्छा, ये बहन है और ये बच्चा उनका। ये चारों तरफ से एक बार दिखाता हूँ मैं। ये रियल कब्र है क्या ये? अच्छा, उसमें तो ताजमहल में तो ऐसा दिखा रखा है ना कि ताजमहल में तो दिखा रखा बेसमेंट में रियल। चलिए और आगे चलते हैं। ऐसे आ जाऊँ? तो गाइस देखिए, काफ़ी यार बहुत बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ये हमें बता रहे हैं। बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। चीज़ और इनकी खास दिखाता हूँ मुगलों के, ये देखो ये मुगल का खास आर्किटेक्चर है। ये आर्किटेक्चर अपने मोनूमेंट के अंदर जब भी पिलर का डिजाइन बनता है तो यही डिजाइन बनाते हैं। इसको बोलते हैं 3D जिगजैग आर्किटेक्चर। ये देखिए बिल्कुल फ्लैट डिजाइन होता है, आप हाथ रख के देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। लेकिन इस डिजाइन को हम पीछे से देखेंगे जितना दूर से, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये 6 डायमेंशन दिखेगा। और इस डिजाइन को देखते हुए आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसमें देखो गड्ढा होता चला जाता। हाँ, ये 6 डायमेंशन दिख रही है। हाँ। जैसे गाइज हमने ताजमहल वाली में दिखाई थी आपको, उसी तरीके का ये डिजाइन है। यहाँ पर इसे कॉपी करके ताजमहल में बनाया है। हाँ, ये 3D डिजाइन कहते हैं ना इसे, जिगजैग 3D डिजाइन। देखिए जैसे हमने ताजमहल, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो देख रहे हो आप चमत्कार, देखो जैसे ताजमहल में मैंने दिखाया था। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ये देखिए पता चलता जाता है, बेहतरीन बहुत अच्छी चीज़ है। सारा एक्सप्लोर करेंगे और ये है अकबर की कब्र, अंदर चलते हैं। शूज़ उतार के जाना पड़ेगा हमें। ओए होए, ठंडक बहुत है यहाँ। ये ओरिजिनल है और इससे ज़्यादा अंदर ठंडक। ये देखिए इस रूम को आप जो देख रहे हैं ये गोल्डन रूम बोलते हैं इसे। वो गोल्ड का काम करा हुआ है इसमें तो। उनके ज़माने में जब इसको बनाया गया था तो ये पूरा सोने से बनाया था, यहाँ सब सोना लगा हुआ था पूरे रूम के अंदर। 1761 में भरतपुर राजस्थान का राजा सूरजमल ने यहाँ अटैक किया था, पीछे का गेट तोड़ कर आया था और इसके अंदर भूसा भरकर आग लगा दी थी। आग लगाकर यहाँ का सारा गोल्ड पिघला के निकाल कर ले गया था। उसके बाद ब्रिटिश आए थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने इसकी सफाई कराई थी और सारा रिपेयर कराया और एक टेम्पल बनाया था गोल्डन पेंट करा के लोगों को दिखाने के लिए कि ये ऐसा दिखता था पहले। अच्छा, देखिए गाइस देखिए यार पूरा वाओ, पूरा गोल्डन और कलाकारी देखिए, और ये नीले गोल्डन वाओ यार। लाइट की कमी है बट एकदम देखने लायक चीज़ें हैं। ये देखिए वाओ, कलर देखिए, कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से, और ये सब गोल्ड का था यार पहले। ये यहाँ से तो सारा देखिए जल गया है, सब डिमोलिश हो चुका है जैसे कि उन्होंने बताया, ये आग लगा दी गई थी इसमें। और ये देखिए इस तरीके का था पूरा गोल्ड यार, पूरा गोल्ड भाई, इतना सारा गोल्ड। ये ऐसा था पहले, आप देख रहे हो ये गोल्ड की है, ये देखिए डिज़ाइन सारा गोल्ड का, और ये सारे डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये सारा गोल्ड था। ये देखिए उधर आप, ये गोल्ड की प्लेट लगी हुई है ना, थोड़ा जैसा लग रहा है वहाँ पर ऊपर जैसे गोल्ड की प्लेटिंग वगैरह हो रही हो पहले इन पे। ये गोल्ड ओरिजिनल लगा था इसके। हाँ, वही चीज़ है ना दिख रहा है वहाँ पर अटैच करने के लिए गोल्ड की प्लेटिंग वगैरह। वाओ, ये देखो इसमें देखो आपको बढ़ कर कुछ हल्का हल्का सा दिखेगा आपको। अच्छा, ये ओरिजिनल गोल्ड है ये वाला? हाँ हाँ, ये ऊपर तक ही दिख रहा है थोड़ा सा, नीचे होता तो टच करके भी देखते ना। नीचे नहीं है और देखो इधर से,
ऊपर की साइड में, हाँ उधर उधर साइड दो चार जो पत्तियां आप देख रहे हो ये प्योर गोल्ड है यार, ये कंजर्व करके रखा गया इसे आज भी। अभी को जिंदा करने के लिए है। एक बार जाके देखे ऊपर, नहीं जा थोड़ा सा यहाँ तक, अच्छा अलाव नहीं है, ये तो रिपेयर का काम चल रहा है तो इसके लिए। आगे चलते हैं, चलिए और देखते हैं कुछ। ओ भाई गोल्ड, तो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं ठंडा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे वो नेचुरल एसी है क्या भाई, जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं देखिए पसीने की बात हो। अभी आप यहाँ से अकबर की कवर की ले सकते हैं, अंदर अलाउड नहीं, ये बंद करना पड़ेगा क्या। अच्छा कर देंगे, ये अकबर की ओरिजिनल रियल कवर है, इसी जगह अकबर बादशाह का दफनाया था, तब से उनकी कवर बनी है। 7 फिट नीचे बॉडी रखकर, और अंदर जो अकबर की कवर का रूम है उसकी हाइट 80 फुट है, डबल रूम हाइट है, जिसकी वजह से वहाँ पर 5 सेकंड का ईको भी होता है। एक बार बोलोगे 5 सेकंड तक आवाज़ उसमें गूंजेगी। अकबर की कवर के ऊपर एक झूमर लगा है जो ब्रिटिश ने लगाया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। उसमें पहले कैंडल जलता था मोम का, जिससे रोशनी होती थी। आप अंदर जाके देखें, और अब कैमरा को आप बंद कर देखिए। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है अकबर की कब्र। और भाई अभी मैं अंदर से आया हूँ, मुझे तो एक एपिक वाला फील हो रहा भाई, मैंने क्या इतिहास लिख दिया भाई। राजा अकबर यार, मुगलों का जो सबसे नामी, जिन्हें हिंदू भी बहुत मानते हैं, उनकी कब्र, उनकी कब्र से यार अभी मैं मतलब देख के आया हूँ। और आज भी वहाँ पर जो धूप बत्ती वगैरह लगाई जाती है, वो अगरबत्ती वगैरह लगाई जाती है और वहाँ दीपक जलाया जाता है। और एक चीज़ बहुत खास है, जब सामने देख रहे हो ना, वो वहाँ पर वो सामने सलामी गेट, जिसे सलामी गेट कहते हैं, देखिए सामने और मेरे पीछे देखिए, ये यहाँ से कब्र और सलामी गेट बिल्कुल सामने है, एक सिमेट्री है। देखिए यहाँ मैं सेंटर में हूँ और वहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल ये गेट, और इस साइड ये कब्र है, कब्र बिल्कुल उस सलामी गेट के बिल्कुल सामने है। क्योंकि ये इसीलिए बनाई गई है, कब्र बिल्कुल इस गेट के सामने इसीलिए बनाई गई है क्योंकि जब भी कोई एंटर करे इसमें मकबरे में, तो सलामी मतलब सिर झुकाकर अंदर आए, सलामी मतलब एक तरह से सर झुकाकर अंदर आए। और ये देखिए अभी हम बाहर आ चुके हैं भाई, अच्छा बहुत अच्छा लगा मेरे को पर्सनली, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जगह जाकर घूमकर। और भाई ताजमहल से कहीं ना कहीं देखो, ताजमहल देखने के लिए तो अच्छा है, बट एक हिस्टोरिकल वाइज, जो कि जिसे हिस्ट्री पसंद है, जैसे कि मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ पुरानी हिस्ट्री जानने में, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई आज का, मतलब 1-2 घंटे पूरे यूज़फुल रहे मेरे लिए। और आई होप सो आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस देखिए, यहाँ से अभी हम अंदर से आ चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए हम जल्दी से चल देते हैं आगे की तरफ। ये अकबर की छोटी बेटी शकरुन्नेसा है, दो छोटे बच्चे हैं, ये शाहजहाँ के हैं, 8-9 दिन की उम्र के बच्चे। इस उम्र में शाहजहाँ के 8 बच्चे की मौत हुई थी। अच्छा ये मेल है, जैसे कि इन्होंने बताया, देखिए ऊपर ये मेल होने का वो है एक साइन, ये एक मेल की, जो मेल है जेंट्स की कब्र है और बच्चा। ये शाहजहाँ की वाइफ थी, अकबर की बेटी है, सांस आगे बच्चे है। ये फीमेल भी बच्चा था और ये मेल बच्चा था, हाँ वही है, ये मेल है वो फीमेल है। शकरुन्निसा, देखिए ये शकरुन्निसा जो अकबर की बेटी थी वो, ये उनकी कब्र है और ये बच्चे। भाई भाई क्या क्या दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं भाई, वीडियो लाइक नहीं करते यार, इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस में लेके आता हूँ भाई, सारे लाइक करें, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड यार इतना कुछ करता हूँ मैं आपके लिए, और ये अभी हम बाहर आ गए, इतना कुछ करता हूँ मैं आपके लिए यार, कम से कम ग्रो करवाओ जल्दी से जल्दी, 10-10K करवाओ भाई, सब्सक्राइब करवाओ एंड फैला दो सारी वीडियो, तगड़ी तगड़ी और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हो, क्या है देखने के लिए, देखते हैं। रुकैया बेगम, अकबर की बीवी, ये अकबर की जो वाइफ थी उनकी कब्र है, ये ओरिजिनल कब्र है उनकी, इनकी ओरिजिनल कब्र है, अकबर की वाइफ है। अच्छा,
संगमरमर है पूरा, ये देखिए पूरा संगमरमर है। क्या नाम था आपके चैनल का भाई? वाइल्डेस्ट ब्लॉगर है। ओके सारे भाई जरूर देखना, वीडियो बहुत धांसू होने वाली है। मेरा उल्टा हो मैं, मेरा आईडी है मस्ती खो प्रवीण, आप जाके जरूर चेक करना। मोटिवेशनल स्टोरी वगैरह है, ये कॉमेडी वगैरह भी बनाता हूँ, बाकी इनका तो बताइए। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सारे भाई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी है। और तो यहाँ पर आपने कब्र, हमने आपको दिखाई अकबर की पहली वाइफ की कब्र, और अकबर की थ्री वाइफ थी जिसमें पहली वाइफ का यहाँ है रुकैया बेगम का, और जो सेकंड वाइफ है जोधा बाई वो हिंदू थी, इसलिए उनका संस्कार किया गया था। अकबर के 18 साल बाद उनकी डेथ हुई थी। अकबर 1605 में मरे थे और जोधा मरी थी 1623 में। तो उनकी बेटे जहांगीर ने उनका संस्कार किया था, और जहाँ उनका संस्कार किया गया उसी स्थान पर उन्होंने उनका एक समाधि पॉइंट बनाया छोटे मॉन्यूमेंट के रूप में, मरियम टॉम के नाम से, जो कि अभी हमने वीडियो में आपको दिखाया, मरियम टॉम भी दिखाया हमने आपको उसमें। और थर्ड बेगम थी उनकी सलीमा सुल्तान, जिनका टॉम तुर्किस्तान के अंदर। ओके तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस अकबर टॉम के बारे में, और इसके बाद आपको लेके जाएंगे मरियम टॉम जो कि जोधा भाई का टॉम है, उसकी वीडियो भी चैनल पे आपको इस वीडियो के बाद जरूर मिलेगी। आई होप सो आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आप सभी से एक शिकायत है भाई, आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया, भाई जिसने भी नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया ना तो भाई आप पछताने वाले हो। इतने धांसू धांसू ब्लॉग में लाने वाला हूँ ना तो भाई आप सब मिस कर दोगे सारे, अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया तो सारे धांसू धांसू ब्लॉग आप मिस कर दोगे। तो ताकि आप नए ब्लॉग जो हमारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं उन्हें मिस ना करो, इसीलिए भाई नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। और फिर मिलते हैं ऐसे किसी एक्साइटिंग धमाकेदार ब्लॉग में, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।